होकर ही रहेगा। मैंने कहा ना ऐसा होगा, हो गया। तब ये तो आपसे पूछे हो गया, एक्सीडेंटली बोलते हैं, बस काम हो गया। दूषण करना तो आसान है, अगर वो काम बन गया तो उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते हैं। बंधु अगर कोई दोष करते हैं तो उसकी निंदा कीजिए, परवाह नहीं। अगर कोई अच्छा काम करते कम से कम शाबाशी कीजिए, उतना भी नहीं जानते हम। हाँ, सामुद्रिक शास्त्र के अनेकानेक चिन्ह, अनेकानेक गतिविधियां, अनेकानेक रेखाएं, अनेकानेक पर्वत के समतलता आदि के विषय में अध्ययन करने के तदनंतर अध्ययन का विषय प्रतिफल बताया गया। भय त्रिभुज चिन्ह गुरु पर्वत पर है, ये राजनीति का योग है, ये किसी शास्त्र के महान पंडित बनने का योग है, ये गुरु वलय है, वाक सिद्धि वाक शुद्धि का योग है। ये कब बाबा, अगर ये प्रश्न किया जाए तो आयु से पूछना पड़ रहा, किस आयु में ये सिद्ध है। यहां बहुत बड़ी बात है कि यहां हर कोई शास्त्रज्ञ लगभग उतना सफल नहीं हो रहा जितना सफल अपने आप को समझ रहे हैं। कारण केवल मतांतर, सभी एक साथ बैठकर सबके सब सोचकर एक निर्णय पर आ जाएंगे, सामुद्रिक शास्त्र के इस विषय को भी सही तौर से बताते हैं, किंतु पाश्चात्यों का एक मत, भारतीयों का एक मत, चीन का एक मत, जापान वालों का मतांतर है इसमें। मतांतर ही नहीं, एक राज्य के एक भाग के दो पंडितों के बीच बनता नहीं है, क्योंकि सबके सब बड़े हैं। झाड़ बड़े होते हैं, झुंड के झुंड नहीं होते हैं, एकता नहीं होती है उसमें, एकमत में रह नहीं होते हैं। ये झाड़ भी बड़ा, वो झाड़ भी बड़ा, वो पेड़ भी बड़ा, वो वृक्ष भी बड़ा, सब बड़े हैं, किसको छोटा बोलेंगे। जो छोटे हैं वे सहमत हैं, घास है, हिली मिली रहती है, एकमत है। हम अपने आप को बहुत बड़े समझेंगे तो छोटे ही हो रहे हम, बड़े आकार में होकर भी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंती खो छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या ये बड़प्पना बड़प्पना है, इसको बड़प्पना नहीं बोल सकते हम। अरे भाई, आम का झाड़ छोटा भी क्यों ना होता हो, सुंदर फल देता है, हाथ से काट लेकर खा सकते हैं, मिठास चू सकते हैं। आम को लीजिए, ऊपर का जो ढक्कन है उस ढक्कन को निकाल कर फेंक दीजिए, जरा चुभाइए, बस स्वाद ले सकते हैं। आम उतना साकार भी नहीं कर सकते हैं किसी ज्योतिष के लिए। अगर कोई उस दिशा में प्रयत्नशील है, कम से कम प्रोत्साह दीजिए, आगे आकर आड़ी हवा के तौर से आकर आपकी भी आपका बात भी सत्य है क्या बोलेंगे, तो क्या बोल सकते हैं हम। खिल्ली उड़ाने की इच्छा ही इसलिए ही खिल्ली उड़ा रहे, जरा प्रोत्साह दीजिए, एक मत से आएंगे, एक निर्णय पर आएंगे। विश्वास कीजिए, हर कोई शास्त्र एकदम सही होकर बैठेगा। जो 20% अलग के हाथ में है कहा, कम से कम आगे चलकर 10% तक हम पकड़ सकते हैं, शेष 10 ईश्वर इच्छा बनी ऐसी, बस भगवान पर छोड़ देंगे। अगर वो भी पकड़ सकते हैं कुछ सहस्राब्दी के बाद, स्वागत है, संतोष की बात है, कौन हर्ष नहीं होता, हर्ष ही हर्ष सर्वे सर्वत्र। इस कारण एक तरफ विज्ञान की काफी अभिवृद्धि हो रही है, अभिवृद्धि इसे कहती है प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी है, अतीन्द्रिय शक्ति वाले विज्ञान शास्त्र है ये। इस विज्ञान शास्त्र को प्रोत्साहन दीजिए, मैं समाज से कहूंगा, प्रभुता से विनम्र विनती करूंगा, एक एक व्यक्ति से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हैं,
उनको कृपया प्रोत्साहन दीजिए। अगर प्रोत्साहन नहीं दे सकेंगे, मैं नम्र निवेदन बहुत 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 से बार प्रार्थना कर रहा हूं, कम से कम निरुत्साहित मत कीजिएगा उस व्यक्ति को। आज नहीं तो कल पूर्ण शास्त्र नहीं, संपूर्ण शास्त्र बन जाएंगे ये। इसके लिए आप सबके सहकार की आवश्यकता है। हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, प्रगति ही प्रगति। हाथ से हाथ मुट्ठे में झगड़ेंगे, लड़ाई होगी। हमें लड़ाई नहीं चाहिए। मुख्य रूप से भारतीयों से मेरी प्रार्थना है, गंगा माई जहां बहती है, अहिंसा, एकता। हम अनेकता में एकता को देखते हैं, उस एकता के वो प्रगतिशील बनिए, अग्रसरित हो जाइए। इस दिशा में जो कोई प्रयत्न कर रहे हैं, उसे एक कृपया प्रोत्साहन दीजिए। पूरे सामाजिक व्यक्तियों से, समाज से मेरी प्रार्थना है, आज हमारे यहाँ कुछ भ्रष्टाचार आते जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारी भारतीय आत्मा का आविष्कार फिर किया जाए, रोक रखे उस पर, कि हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हैबिट्स कैन बी चेंज बट कस्टम्स कॉन्ट बी चेंज। अनफॉर्चुनेटली चेंजेस विल कम इन कस्टम्स ऑल्सो, नो डोंट ट्राई फॉर इट। आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल। अब देखेंगे आयु निर्णय के विषय में, क्या एकमत से है? भैया एकमत से नहीं है, बहुमत यानी भिन्न भिन्न मतभेद है। मतभेदों को बताऊंगा मैं, जो इन दृश्यों को, इस सेवण दृश्य के शास्त्र को सीख रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। अगर भविष्यवाणी के लिए आप उद्युत हो जाएंगे, तो इन सभी अनेकानेक मतों को, मतभेदों को सुनकर आप एक विषय पर विश्वास कीजिए, उस विश्वास से आगे के लिए कम से कम जो ऐसा विश्वास करते हैं वे सफल हो सकते। अब आयु निर्णय के बारे में, वयो निर्णय के बारे में एक बार दृष्टिपात करेंगे, ठीक है?